हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कुलदीप और आप देख रहे हैं ईकेजी एजुकेशनल ग्रुप बी गुड़वर खाड़। टेक हाई टेक के नवे एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही खबर के टेक न्यूज़ के बारे में। इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके दबाएँ उस बेल आइकन को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो पहले हमारी टेक न्यूज़ है वो निकल कर आती है आईफोन की तरफ से। जी हाँ, आईफोन की तरफ से पहले टेक न्यूज़ निकल कर ये आती है कि कल जैसे मैंने टेक न्यूज़ में आपको बताया था कि iOS 13 के अपडेट के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ गए हैं आईफोन यूज़र्स के लिए। लेकिन अब आईफोन वालों का कहना है कि वो जल्द ही में इसका एक नया अपडेट निकालेंगे, iOS 13.1.2, जिसमें कि अपडेट करने के बाद ये जब आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल और डाउनलोड कर लेंगे ये नया अपडेट, तो जितनी भी प्रॉब्लम होती थी, जितने भी बग आते थे, उन सब की प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व कर दी है। पबजी खेलने में, व्हीकल में ब्लूटूथ कनेक्ट करने में, और भी जो बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी आई क्लाउड और कैमरा को लेकर के, वो सारी प्रॉब्लम्स होने वाली है सॉल्व। तो अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है इस नए अपडेट को, तो आप इस अपडेट को डाउनलोड कर सकते हैं। और जो थर्ड पार्टी ऐप लॉगिन करते समय जो भी प्रॉब्लम हो रही थी टच आईडी वालों के लिए, कोई भी प्रॉब्लम हो, सारी प्रॉब्लम उन्होंने की है फिक्स। और उनका कहना है कि अब आईफोन यूजर्स को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी iOS 13 अपडेट के बाद। तो iOS 13 अपडेट के बाद जो अपडेट निकल कर आया है वो है iOS 13.1.2 अपडेट है, जो कि बहुत ही कमाल का है। और सारे जो फीचर्स थे, फीचर्स वैसे के वैसे हैं, लेकिन उनकी जो प्रॉब्लम थी, जो बग वगैरह आते थे, वो सारे चीज़ें बदल दी गई हैं और ये नया अपडेट आया है निकल कर आईफोन की तरफ से। अगली जो हमारी टेक न्यूज़ है वो भी निकल कर आती है आईफोन की तरफ से। जी हाँ, आईफोन का जो नया आईफोन आने वाले हैं उसमें आपको नया लोगो और नया डिज़ाइन देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें आईफोन 11 सीरीज़ की, तो उसमें आपको स्टैंडर्ड लोगो को मिलता था देखने को, लेकिन इस बार जो आईफोन आ रहा है उसमें आपको स्टैंडर्ड लोगो के बजाय डायनेमिक लोगो मिलेगा, वो भी LED नोटिफिकेशन के साथ में। यानी कि जब भी आपके मोबाइल पर कोई भी नोटिफिकेशन आएगी तो आपके आईफोन का जो डायनेमिक लोगो होगा वो ग्लो करेगा। अगर हम बात करें तो इससे पहले मैकबुक जो 2016 में जो लॉन्च हुए थे उसमें भी ये मिलता था आपको फीचर्स देखने को, उसके बाद इसका उपयोग नहीं किया गया था। लेकिन अब कंपनी की जानकारी के हिसाब से आपको बता दें कि फिर से इसका उपयोग किया जा सकता है मैकबुक और आईफोन दोनों में। अगर हम बताएं, एप्पल इंसाइडर की तरफ से एक जानकारी निकल कर आ रही है जिसमें वो बता रहे हैं कि कंपनी जो है इस टाइम एडजस्टेबल डेकोरेशन पर काम कर रही है, जो कि एक आपके फ़ोन के बैक साइड में एक एक्स्ट्रा लेयर लगाएगा, जिसकी मदद से आप सॉफ्टवेयर को कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा फीचर देगा आपके मोबाइल को। अगली जो हमारी टेक न्यूज़ है वो निकल आती है सैमसंग गैलेक्सी की तरफ से। जी हाँ, सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड जो है कल लॉन्च हो चुका है इंडिया में दोपहर को 12 बजे, और इसकी कीमत मैंने बताया था जैसा कि 1,64,999 रुपये, जो कि बहुत ही एक अधिक हैवी कीमत है इसकी। और अगर हम बात करें इसकी प्री बुकिंग की, तो प्री बुकिंग जो है कल से यानी कि 4 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। अगर आप इसकी डिलीवरी चाहते हैं तो डिलीवरी जो है 20 अक्टूबर से शुरू होगी इसकी। अगर आप इसकी प्री बुकिंग करना चाहते हैं तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर, सैमसंग की ऑफिशियल वेबसाइट पर कर सकते हैं, या फिर उसके अलावा सैमसंग शॉप पर भी आप कर सकते हैं। अगर आप बेंगलोर में रहते हैं तो बेंगलोर में सैमसंग ओपेरा हाउस में भी जाकर आप इसकी प्री बुकिंग कर सकते हैं। और इसके फीचर्स मैंने कल बता दिए थे कल की टेक हाईटेक के 8वें एपिसोड में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर के आप देख सकते हैं। अगली जो हमारी टेक्निक वो निकल कर आती है एयरटेल की तरफ से। जी हाँ, एयरटेल के यूजर्स को थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अब जो उनकी बेल रिंग है 40 से 45 सेकंड से कम करके अब 20-25 सेकंड कर दी गई है, और ऐसा उन्होंने ट्राई के कहने पर किया। और इससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि IUC में जो है कमी की जाएगी। IUC का फुल फॉर्म होता है इंट्रा कनेक्ट यूजेस चार्ज, और इसको कम किया जाएगा ट्राई के कहने पर। और जियो, रिलायंस और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि इस चीज़ में शामिल हो रही हैं, मतलब वो भी अपनी जो बेल रिंग है वो 25 सेकंड लगभग कर रही हैं। अगली जो हमारी टेक न्यूज़ है वो निकल कर आती है व्हाट्सएप की तरफ से। जी हाँ, व्हाट्सएप का एक नया अपडेट आ गया डिसअपेयरिंग मैसेज, जैसा कि नाम से पता चल रहा है। डिसअपेयरिंग मतलब कि किसी चीज़ को छुप जाना या फिर उसका डिलीट हो जाना है, विलुप्त हो जाना। तो मैसेज को डिलीट करने का एक नया अपडेट आ चुका है, जिसमें कि आप ग्रुप इन्फो में जा करके डिसअपेयरिंग मैसेज का एक ऑप्शन आएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं। वो दो टाइमिंग दी जाएगी, 5 सेकंड और 1 घंटा। यानी कि अगर 5 सेकंड करते हैं आप, तो 5 सेकंड बाद अगर कोई भी मैसेज आप ग्रुप में करते हैं
तो 5 सेकंड बाद आपका मैसेज जो है वो डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिक। और पहले क्या होता था, डिलीट फॉर एवरीवन करने पर आपका मैसेज जो होता था सभी को दिखाई देता था, मतलब कि यूजर्स के द्वारा मैसेज सेंड किया गया है और उसके बाद डिलीट कर दिया गया था। और कुछ ऐप द्वारा उससे मतलब ट्रेस भी कर लिया जाता था, ट्रैक भी कर लिया जाता था कि मैसेज आखिर था क्या, और वो जो मैसेज डिलीट कर चुके होते थे आप वो शो भी कर दिया जाता था। लेकिन अब ये जो मैसेज होगा वो डिलीट करने के बाद शो बिल्कुल भी नहीं होगा, यानी कि इसको ट्रैक करना बिल्कुल भी नामुमकिन है। आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आपको सबसे अच्छी टेक न्यूज़ कौन सी लगी और कौन सी टेक न्यूज़ जो है आपको बेकार लगी, यानी कि जिससे आप खुश नहीं हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।